आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी, जिसके लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है और फिर मैं जीरा डाल दूंगी। और यह मैं इसमें मतलब प्याज को मैंने दूसरी तरफ से काटा हुआ थोड़े लंबे टाइप से वैसे से काट के फिर मैं अब इसको ऐसे होने दूंगी ब्राउन। अब मैं सबसे पहले डालूंगी इसमें धनिया जो मैंने भून कर दिया है तैयार इसके लिए, और ये डालूंगी मैं नमक और ये हल्दी। और ये किचन किंग ये डाल दिया मैंने इसमें। अमचून थोड़ा कम ही डाले क्योंकि हम टमाटर भी डाला है ना हमने, नहीं तो फिर ज़्यादा खट्टी हो जाएगी सब्जी। फ्रेंड्स इसको ज़्यादा नहीं पकने देना, प्याज को हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें जो मैंने मसाले इकट्ठे किए हुए थे उसको हम ऐसे डाल देंगे। बस इसको अब एक मिनट के लिए ऐसे ही मसालों को हम पकने देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको ये पनीर की रेसिपी सब्जी वाली कैसी लगी आप ज़रूर बताना जी। और मैं ऐसी ही सब्जी बनाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ना मतलब पनीर का अलग अलग होता है कि कई बार गलत पनीर आ जाता है, कि लोकल पनीर होता है वो टेस्टी होता है, एक दूसरे वाला भी होता है, अलग अलग टेस्ट होता है। तो मैंने लोकल ही लाया हुआ, वैसे तो हम ज़्यादा लोकल ही यूज़ करते हैं। देखना फ्रेंड्स अब मसाले पक चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे जो हमने टमाटर की ग्रेवी तैयार की हुई थी। फ्रेंड्स ऐसे ही इसको काफ़ी 5 मिनट तक आप पकाते रहें, मतलब हमारी गाढ़ी और टेस्टी सी जब तक मतलब ग्रेवी बन नहीं जाए, मतलब क्या बताऊँ मैं। अब पानी को सोख ना ले मैं, मतलब जब तक तब तक हम ऐसे ही इसको पकाएंगे। अब देखो ये ऑयल छोड़ने लगी है तड़का। फ्रेंड्स अब हम ये तड़का तैयार हो चुका है, अब डाल देंगे हम इसमें पनीर। अब अच्छी तरह से हम इसको मिला देंगे ताकि इसके जो हम मसाले वगैरह टमाटर ग्रेवी हमारी पनीर के साथ मिक्स हो जाए। और थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही ढक्कन लगा के रखेंगे, मतलब 2-3 मिनट तो यही ज़्यादा नहीं। फ्रेंड्स ये बन गई पनीर की सब्जी, और सिम गैस पे पकाना इसको
तेज़ गैस मत करना, नहीं तो फिर ये नीचे लग जाएगी और जल भी सकती है। तो आप सिम गैस पे ही पकाए ऐसे। और आपको सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी पनीर की, तो ज़रूर कमेंट करना फ्रेंड्स। और ये हम पूरी के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। तो आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना फ्रेंड्स।